नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को लेके। तो इसमें हमने अभी तक इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखा, इसके ऑब्जेक्ट को देखा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को भी हमने परखा। और इस एक्ट के डेफिनेशन क्लोज में हम आए। डेफिनेशन क्लोज में आने के बाद हमने इस एक्ट के अंदर ये जानने की कोशिश की कि इंडस्ट्री क्या रहती है, और इंडस्ट्री की परिभाषा के बाद हम बात करने लग रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, यानी कि सेक्शन 2 के धारा 2 टै। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो परिभाषा है उसको हमने पिछले वीडियो में समझने की कोशिश की थी, और उसमें हमने ये जाना था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर्मचारियों यानी कि नियोजक और कर्मकारों के बीच, नियोजक और नियोजकों के बीच, और कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई ऐसा विवाद होता है या ऐसा मतभेद होता है जो कि श्रम की शर्तों या नियोजन की दशाओं से संबंधित होता है, और संबंधित होता है किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से संबंधित। और इसमें हमने ये भी देखा था कि इसके क्या जो ऑब्जेक्ट जो निकल के आए थे, मुख्य रूप से ये जो बात आई थी कि किसी व्यक्तिगत विवाद को भी औद्योगिक विवाद माना जा सकता है, बशर्ते कि उसमें अधिकतर कर्मचारी अपना हित रखते हों। और इसी दौरान हमने बात की थी दीमाकुची टी एस्टेट के प्रबंधक और दीमाकुची टी एस्टेट के कर्मचारियों का जो केस था उसको लेके, जिसमें एक डॉक्टर की सेवाओं को की बातचीत थी, और उसमें चूँकि वो सामूहिक रूप से कर्मचारी हितबद्ध थे इसलिए उसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया था। तो यानी कि किसी बाहर के व्यक्ति का जो विवाद है वो उसको भी औद्योगिक विवाद माना जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित जो उद्योग है, संबंधित जो इंडस्ट्री है, उसके अधिकतर जो कर्मचारी हैं उसमें अपना हित रखते हों। और इसी दौरान मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि ज़रूरी है कि औपचारिक रूप से कोई एक पक्ष अपनी मांग रखे और दूसरा पक्षकार उसको मानने से इनकार कर दे, तभी औद्योगिक विवाद होगा। अब एक बात आती है कि क्या जो व्यक्तिगत विवाद है उसको औद्योगिक विवाद माना जा सकता है क्या? तो देखिए, जो सेक्शन 2 के है, जो धारा 2 टे है, वो अपने आप में स्पष्ट करती है, और स्पष्ट ये करती है कि इसमें जो कर्मकार शब्द के बजाय वर्कमैन शब्द के बजाय को कर्मकार शब्द के बजाय कर्मकारों यानी कि प्लूरल बहुवचन के रूप में इसको शामिल किया गया है इस शब्द को। तो चूंकि बहुवचन के रूप में शामिल किया गया है इसलिए ज़रूरी ये है, वर्कमैन MEN है वो, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि कोई विवाद नियोजक और एक कर्मकार के बीच में उत्पन्न हुआ है तो वो औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुवचन के रूप में कर्मकार नहीं बल्कि कर्मकारों शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए स्पष्ट है कि किसी एक कर्मचारी और नियोजक के बीच के विवाद को औद्योगिक विवाद नहीं माना जाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ज़्यादातर लोग उससे हितबद्ध हों। तो ज़्यादातर लोगों, देखिए, एक व्यक्ति के विवाद को आप कब मानेंगे? तब मानेंगे बशर्ते कि इस कर्मकार से संबंधित विवाद को अधिकांश कर्मकारों या व्यवसाय संघ का समर्थन प्राप्त हो गया हो। तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति का के नियोजन की शर्तों या नियोजन या नियोजन से संबंधित कोई विवाद है तो उसको हम नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उसको समर्थन नहीं मिल गया हो अधिकतर कर्मचारियों का, अधिकतम कर्मकारों का, या फिर व्यवसाय संघ का, ट्रेड यूनियन का। इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण केस आपको बताता हूँ मैं। न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेज औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश का एक मामला है। तो इसमें एक टाइपिस्ट को अयोग्यता के आरोप में कर दिया था नियोजक ने कार्य से मुक्त, और जो ये जो मामला था इसको व्यवसाय संघ ने अपना समर्थन नहीं दिया।
तो समर्थन नहीं दिया, तो फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत विवादों को औद्योगिक विवाद में परिवर्तित करने के लिए या तो उसको अधिकांश कर्मकारों के द्वारा उठाया जाना चाहिए या व्यवसाय संघ का समर्थन होना चाहिए, यानी कि पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कोई है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा जब तक कि ट्रेड यूनियन ने उसको नहीं उठाया हो या फिर अधिकतर कर्मचारियों का उस कंसर्न विवाद में इंटरेस्ट ना हो, उसको समर्थन प्राप्त ना हो। केस का नाम न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेज औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के कर्मकारगण यानी कि वर्कमैन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज इंडियन न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर्स के प्रबंधकगण, इसमें दो कर्मकारों का विवाद था और बाहर का कोई व्यवसाय संघ था, उसने इस विवाद को समर्थन दे दिया। तो फिर इसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई चूंकि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लगभग जो 25% जो कर्मचारी हैं वो बाहर के व्यवसाय संघ के सदस्य थे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का खुद का कोई ट्रेड यूनियन था ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बाहर का जो यूनियन था, जो बाहर की जो ट्रेड यूनियन थी, उसमें प्रतिनिधित्व के गुण मौजूद थे, इसलिए उसको व्यवसाय विवाद मान दिया गया। इसी तरह बिन्नी लिमिटेड वर्सेज कर्मकारगण, उन्होंने कहा कि भाई संदर्भित जो तिथि है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया, यदि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब केस भेजती है जो संदर्भित जो तिथि रहती है उसको औद्योगिक विवाद विद्यमान था, लेकिन कुछ समय के बाद व्यवसाय संघ समर्थन देना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति के अंदर अगर कंसर्न डेट को व्यवसाय संघ का समर्थन है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको रेफर किया है, तो जो रेफरिंग जो डेट है उस दिन यदि व्यवसाय संघ का समर्थन है और बाद में समर्थन वापसी हो जाती है व्यवसाय संघ की, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसको औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। इसी तरह से वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ हिंदू वर्सेज मद्रास स्टेट का एक केस आता है, उसमें भी ये इसको कहा, इसी बात को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यदि कंसर्न डेट को यदि संदर्भित करने की जो तिथि है उस दिन यदि अधिकतर कर्मचारियों का या व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन का समर्थन है उस औद्योगिक विवाद को, तो उसको औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। यदि बाद में समर्थन वापस ले लिया जाता है तो ऐसी समर्थन वापसी का कोई असर नहीं रहेगा और उसे औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। तो कुल मिला के जो 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 बात जो आई वो ये आई कि एक व्यक्ति के विवाद को तभी आप मानेंगे जबकि उसको दूसरे जो कर्मचारी हैं, अधिकतर कर्मचारी हैं या ट्रेड यूनियन है, उसका समर्थन हो, और एक बार समर्थन देने के बाद यदि उसको रेफर कर दिया हो तो उस डेट के बाद समर्थन वापसी का कोई असर नहीं होता। जगदीश नारायण शर्मा वर्सेज राजस्थान पत्रिका लिमिटेड में भी राजस्थान हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें कि एक कर्मचारी का ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर उसको भी औद्योगिक विवाद मान लिया था, चूंकि उसमें जो व्यवसाय संघ था उसने उसमें इंटरफेयर किया था। तो बात जो निकल के आई वो यही है कि भाई बाहर के व्यक्ति को के विवाद को भी माना जा सकता है दिमाकुची टी एस्टेट, और एक व्यक्ति के विवाद को तब माना जाएगा जबकि उसको अधिकतर कर्मचारियों का या व्यवसाय संघ का समर्थन शामिल हो। आप ट्रेड यूनियन का समर्थन इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा तो मैंने आपके समक्ष स्पष्ट कर ही दी। तो अब मैं आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और फिर हम बात करेंगे ले ऑफ यानी जबरी छुट्टी के संदर्भ के अंदर, और लॉकआउट के संदर्भ के अंदर बात करेंगे, स्ट्राइक के संदर्भ में बात करेंगे, रिट्रेचमेंट के संदर्भ में बात करेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार।